हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ कपिल दवर और आज हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर संगीता मैम, जो कि रिंग कमांडर है, जो कि आपको मोटिवेट करने वाले हैं। जो हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आप सभी को रिप्लाई देने वाले हैं कि किस प्रकार आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि आपसे कि कितने प्रकार की एंट्रीज होती है वुमेन्स के लिए और मेन्स के लिए। वुमेन और मेन के लिए दोनों के लिए हमारे पास जो एंट्रीज है उसमें एक एंट्री हमारी है यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के थ्रू हमारी जो एंट्रीज होती है उसमें एनडीए और सीडीएसई एंट्री होती है। जो एनडीए एंट्री है वो हमारी 12th के बाद की एंट्री है और जो सीडीएसई एंट्री है वो हमारी ग्रेजुएशन के बाद की एंट्री। जो एनडीए और सीडीएसई एंट्री इस वक्त केवल मेन के लिए है, वुमेन के लिए नहीं। इसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप की एंट्री है वो हमारी AFCAT एंट्री है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो ये एयरफोर्स का स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है जो हम एयरफोर्स में लेते हैं, ये एंट्री हमारे मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन है। इस एंट्री में आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको मैथ्स और फिजिक्स 12th में होना चाहिए। दोनों में आपके पास 60% इंडिविजुअली आना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन भी आपने किसी भी स्ट्रीम में किया, आपको उसमें 60% मार्क्स होना मिनिमम मैंने। मैम, जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास कर लिया है उनके लिए कितनी प्रकार की एंट्रीज लगती है? 12th अगर आपने किया है तो उसके बाद आपके पास दो एंट्रीज अवेलेबल है। अगर आपको ऑफिसर कैडर में जाना है तो आपको एनडीए के थ्रू आपके 12th के बाद अवेलेबल है एंट्री। अगर आपको एयरमैन कैडर में ज्वाइन करना है, जैसे आर्मी में सैनिक होते हैं वैसे हमारे यहाँ एयरमैन कहलाते हैं, तो अगर आपको एयरमैन भर्ती में जाना है तो आपको फिर मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए और आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एंट्रीज हमारी हर 6 महीने में निकलती है, चाहे एनडीए है, चाहे यूपीएससी है, चाहे सीबीएसई है, चाहे आपका AFCAT है। हर 6 महीने में एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, आप हर 6 महीने में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, मेरा आपसे ये है कितने प्रकार की फैसिलिटीज हमें मिलती है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद? अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो जो आपको जैसे कहा जाता है कि आपने एक जॉब ज्वाइन किया, एयरफोर्स मैं ये कहूँगी कि इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो ही बहुत ही अलग तरीके की होती है। आपकी किसी और नॉर्मल बेसिक डेस्क जॉब से या बेसिक आपकी कोई आपने एमएनसी ज्वाइन करी उससे ये बहुत ही अलग जॉब है और ये जॉब के साथ एक वे ऑफ लाइफ है, जहाँ कि आप हर दिन आपका जो होता है वो बहुत ही एडवेंचरस होता है। आपको बहुत अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप किसी भी ब्रांच के हों, सबसे पहले आप डिफेंस ऑफिसर हैं तो आपको वो सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी आपको क्रॉस करने होते हैं। आपको हमेशा फिट रहना होता है ताकि आप हमेशा कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, उसके साथ में आप जितने भी आपकी डेली बेसिस पे जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं उनका भी कहीं पे भी किसी और जगह पे कंपैरिजन नहीं है। चाहे आपका एक सेफ एंड सिक्योर एंड कैंपस लाइफ हो जो हमको मिलती है, जहाँ चाहे आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हो जहाँ हम एक दूसरे के लिए जब भी किसी को ज़रूरत है तो जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भी हम लोग रहते हैं साथ में, सब एक दूसरे की फैमिली की तरह रहते हैं। इसके सिवा आपको लीव का स्पेशल कंसेशन मिलता है, LTC मिलती है, आपकी लोन फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास जो आपको ये पेंशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अकोमोडेशन है, आपकी मेडिकल कवर है। सो इसका कोई एंड ही नहीं है, मतलब जो आपको फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगी कि एज अ कैडेट जब आप ज्वाइन करते हैं एकेडमी, आप सारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आप एकेडमी में एक फ्लाइट कैडेट होते हैं। और जब आप फर्स्ट मंथ ही एकेडमी ज्वाइन करते हैं आपकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर की होती है या 1.5 ईयर की होती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच ज्वाइन की। तो आपको फर्स्ट मंथ से एक स्टाइपेंड मिलने लगता है जो कि 54,200 रुपीज़ का स्टाइपेंड है। वो स्टाइपेंड आपको फर्स्ट मंथ से आपकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड पर मिलता है और जब आप कमीशन हो जाते हैं उसके बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पे मिलनी शुरू होती है। फ्लाइंग ऑफिसर की पे आपकी अप्रॉक्सीमेट अगर हम बेसिक पे की बात करेंगे तो 60,000 से 80,000 के बीच में होती है। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग बेसिक पे होती है। उस बेसिक पे के ऊपर आपको MSP की फैसिलिटी मिलती है, आपको कई सारे और ग्रेड पे मिलते हैं और भी आपके बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो उसके साथ मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि किस प्रकार हमारा फिजिकल होता है? जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिक हम कुछ हाइट वेट पैरामीटर्स हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच है तो आपके हाइट वेट पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। आपको 162.5 सेंटीमीटर्स की हाइट आपकी होनी चाहिए, उसमें भी आपके लेग लेंथ, वेट, लेग लेंथ, हाई लेंथ, सबका अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। बाकी ग्राउंड रिटेल ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 175 सेंटीमीटर्स आपकी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर्स आपके मेन के लिए होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर्स आपके वुमेन के लिए होनी चाहिए। इसके सिवा हम एज सच आपसे कोई
फिजिकल टेस्ट नहीं लेते हैं कि आपको इतना किलोमीटर दौड़ना है इतने मिनट के अंदर, बट हाँ जब आप आते हैं डिफेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो एक फिजिकल फिटनेस लेवल होगी वो एटलीस्ट आपने मेंटेन करी होगी, ताकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएं तो आप ट्रेनिंग में जो हम आपसे पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करते हैं आप एटलीस्ट उन पैरामीटर्स पे खड़े होते हैं। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर हम ऑफिसर्स कैडर की बात करें तो सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट पे आपको रुका, जब आप एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है 6 महीने पे एक एडवर्टीजमेंट निकलता है, तो उस एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद आप अप्लाई करते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा तकरीबन 1 मंथ के लिए ओपन रहता है। जब आप हर 6 महीने जब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक कॉल लेटर आता है जिसमें आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है जिसको हम AFCAT कहते हैं। जब आप AFCAT रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको SSB प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया पे, हमारे पास 4 एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड्स हैं, आपको वहाँ के लिए कॉल लेटर दिया जाता है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे हमारे 5 to 6 years की टेस्टिंग होती है। अगर आप वहाँ से भी रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाते हैं, और जब आप अपना मेडिकल अगर आपको मेडिकली भी फिट कर दिया जाता है उसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। वो डिपेंड करता है हमारी कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पे भी टॉप में आना होगा। फिर आप ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। मैम, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे फॉलो करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपके सब्सक्राइबर्स को केवल, और जो यूथ है इस कंट्री का, उनको केवल यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप इस स्टेज पे, जब आपकी लाइफ अभी ग्रो कर रही है, आप स्टेज पे एक तो आपका गोल क्लियर करें कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप इन द एयर्स टू कम अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। ना कुछ समय पहले हम भी आप ही की जगह थे, हम भी देखा करते थे, तो ऐसे आप एक गोल डिटरमाइन कीजिए। जब आप अपना गोल आप सेट कर लेते हैं तो फिर आप आपकी सारी एनर्जीज, आपकी सारी जो भी आपकी सिंसेरिटी है या जो भी है, आप उस डायरेक्शन पे उसको टारगेट कीजिए ताकि आप आपके गोल को अचीव कर सकें। और मैं ये भी उससे कहना चाहूँगी कि जो इंडियन एयरफोर्स है या कोई भी डिफेंस सर्विसेज जो हैं, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं या आप सोचते हैं आपका इंक्लिनेशन है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बेटर दैट यू कैन अचीव इन दिस वर्ल्ड, वेयर यू आर ऑल्सो अचीविंग सो मच फॉर योर सेल्फ। आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप अपने कंट्री के लिए भी कुछ कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ सर्विस विच विल गिव यू अ लॉट आल्सो, नॉट ओनली टेक समथिंग। मैम, आपने कैंडिडेट्स को काफ़ी मोटिवेट किया, अच्छी नॉलेज दी आपने। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।